नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, नए साल में खेसारी लाल यादव के बॉन्ड को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। जिस तरीके से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के द्वारा लगातार जो है स्ट्राइक देकर कई सारे गानों को बंद कर दिया गया, तो अब जो है खेसारी लाल यादव के बॉन्ड यानी कि जो उनका पूरा का पूरा जो है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एग्रीमेंट था, उसके खत्म होने की बात हो रही है। कई सारे लोग कंफ्यूज भी हैं, कई सारे लोग कंफर्म भी हो गया है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जो खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट है वो जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होगा। यानी कि जिस तरीके से चर्चा है कि खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट खत्म हो गया, लेकिन अभी तक एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है। और 10 तारीख को, जी हाँ, 10 जनवरी को जो है खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसी जानकारी जो है कहीं ना कहीं, अब 10 दिन है तो 7-2 दिन बचा है, तो आदमी खुशी मना रहा है। इसको लेकर जो अखिलेश कश्यप ने खुलासा कर दिया है, टुनटुन यादव लाइव आकर तमाम जानकारियां दे दी हैं, गाना भी रिकवर होने लगा है। तो इस आधार पर जो है लोग मान रहे थे, लेकिन अभी तक जो ये है मामला 10 तारीख को जो है पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा और खेसारी लाल यादव नए अंदाज में नजर आएंगे। खेसारी लाल यादव नए अंदाज में नजर आएंगे और अपना कह रहे हैं कि पैसा भी बढ़ाया जाएगा। ऐसा लोगों का मानना है कि जो पैसा है वो बढ़ाया भी जाएगा। और इस दुख की घड़ी में जब खेसारी लाल यादव पर आफत आई थी, यानी कि कई सारे कंपनियों से गाने रिलीज नहीं हो रहे थे, तो उस समय जिन कंपनियों ने खेसारी लाल यादव को रुकने नहीं दिया, लगातार मेहनत करवाकर गाने कराया, उसके लिए खेसारी लाल यादव जीवन आभारी रहेंगे और शुक्रिया भी अदा करने वाले हैं। तो वहीं जो कंपनियां खेसारी लाल यादव से लाखों करोड़ रुपए कमाकर दूसरे एड स्टार पर खर्चा की है, उनको भी सबक सिखाने का बात जो है वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव करने वाले हैं। और उन कंपनियों में, कई सारी कंपनियों को जवाब भी मिलने वाला है। उन कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसको जवाब मिलना चाहिए और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो खेसारी लाल यादव का साथ दी है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बड़ी खुश हो जाइए कि अब बहुत धमाका धमाका जो गाना होगा वो खेसारी लाल यादव का आने वाला है। ठीक है, बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।